इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। लेकिन दोस्तों, मेरा स्वास्थ्य लगभग 2-3 दिन से खराब चल रहा था और आज दोपहर में तो दोस्तों मुझे फीवर आ गया था बहुत तेज। उसके बावजूद मैं ये क्लास ले रहा हूं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं जल्दी मैं रिकवर भी हो जाऊंगा। क्योंकि दोस्त मैंने क्लास इसीलिए ली है कि कर्म सबसे पहले है, राइट? तो दोस्तों एक चीज आपको बताते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आप दादी को दीदी बना सकते हैं? दादी मतलब आप दोस्तों समझ रहे हैं, दादी मतलब नियर अबाउट एज होगी 70 इयर्स की दादी को आप दीदी बना रहे हैं। दीदी का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, 25 या 20 इयर्स की दीदी, कितनी बड़ी बात दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि दादी से दीदी कैसे बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों उस मैजिक को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल जो मैं रूप से मुझे आपको इस ट्रिक के माध्यम से बताना है, कौन सी ट्रिक दोस्तों, कि दादी से दीदी कैसे बने। अर्थात मेरा मेन टारगेट है दोस्तों आपको समझाना कि डेफिनेट आर्टिकल THE द को कभी दी पढ़ते हैं और कभी द पढ़ते हैं। स्टूडेंट के सामने ये बहुत बड़ी समस्या आती है बचपन से लेके बड़े होने तक दोस्तों, कितना भी वो इंटर BSc MSc MEd PhD कर ले, लेकिन कई लोगों के साथ समस्या ये बनी रहती है कि हम कैसे उसको सही बोले, द बोले या दी बोले। हाउ टू स्पीक इन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, राइट? कैसे बोले, तो इसी बात को समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, ये डेफिनेट आर्टिकल द है जो आपके सामने लिखा गया है, इसे दो तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों आप समझ लें, इसे कभी तो दी बोल दिया जाता है और कभी द बोल दिया जाता है, राइट? तो कैसे समझें इसे दी कब बोले और द कब बोले, उसके लिए दोस्तों वेरी सिंपल बात आपको बताएं कि जब कभी वॉवल साउंड आए, VOWEL वॉवल साउंड, वॉवल साउंड आए, वॉवल साउंड का मतलब दोस्तों मेरा हिंदी वॉवल से मतलब है, मतलब इस अ से आप स्टार्ट करें और अहां तक जो दोस्तों होते हैं वो क्या होता है, वो वॉवल होते हैं। तो अगर इनके साउंड कभी भी आ जाए और उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल हो तो आप स्पीक करेंगे उसे दी। लेकिन अगर कभी कंसोनेंट साउंड आ जाए दोस्तों, कंसोनेंट साउंड अगर आ जाए तो आप समझ लेना कि वहां पर आप यूज करेंगे द का। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों आप समझें, जैसे यहां पर एग, राइट? दूसरा दोस्तों मैं कई यहां पे लिखे दे रहा हूं आपके सामने, जैसे यहां पे एलिफेंट, राइट? इसी तरह से यूनिवर्सिटी, राइट? और इसी तरह से यहां पर uses, right? और इसी तरह से दोस्तों यहां पर our, और इसी तरह से दोस्तों honesty। देखिए बहुत सारे examples हो जाएंगे, मैं आपको समझाता हूं कि जैसे अगर यहां पर कोई definite article the का use कर दे, मतलब definite article का use करे, इसको तो हमें समझना ही है दोस्तों कि how to speak in correct way of this definite article THE, राइट? सभी का आगे मैंने डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया है, बट हम लोग को यह समझना है कि हम कहां पर द बोले कहां पर दी बोले। तो समझे दोस्तों, अगर वॉवल साउंड आता है तो दी स्पीक करेंगे, कंसोनेंट साउंड आता है तो द बोलेंगे। आप इसका साउंड करें एग का, तो दोस्तों आप समझते हैं इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एग करके इस तरह से बोला जाता है, ए, और ए क्या है, हिंदी का वॉवल है, तो इसलिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल का वो दी बोलेंगे। अगर आपने द बोल दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका बोलना। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को दोस्तों। इसी तरीके से यहां पे एलिफेंट में ए आ रहा है जैसे यहां पर आया था, तो यहां भी स्पीक आप दी का करेंगे, अगर द बोला तो रॉन्ग है बोलना आपका। इसी तरह से दोस्तों जैसे यूनिवर्सिटी, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन देखें तो यूनिवर्सिटी इस तरह से होगा, यूनिवर्सिटी इस तरह से होगा। तो यूनि में दोस्तों आप क्या समझ रहे हैं, उ वॉवल पहले आ रहा है कि या पहले आ रहा है, तो निश्चित रूप से आप समझ पा रहे होंगे यहां पे या यग मतलब कंसोनेंट पहले आ रहा है। तो जब कंसोनेंट पहले बोला जा रहा है, साउंड किया जा रहा है पहले कंसोनेंट, तो कंसोनेंट साउंड के लिए द का यूज करना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर आप किसका यूज करेंगे, द का। तो इसे द यूनिवर्सिटी बोलेंगे, अगर आपने दी यूनिवर्सिटी बोला तो गलत हो जाएगा। इसी तरह से आगे समझते हैं द यूजेज में कुछ इस तरह से आप बात समझेंगे दोस्तों, ये होता है यहां पर भी या पहले आया है मतलब कंसोनेंट पहले आ रहा है, तो यहां पर भी आप द स्पीक करेंगे। यहां पे आप देखें इसका जब आप प्रोनाउंसिएशन राइट करेंगे इन हिंदी, तो दिस टाइप यू कैन राइट हियर,
ओवर ओवर ओवर, तो ओवर में दोस्तों क्या आ रहा है, ओ या आ, आ, आ क्या है, वोवल। तो यहां पे आप स्पीक करेंगे जब इसको, तो दी आवर आप पढ़ेंगे। ऐसे यहां पे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी में दोस्तों आप समझ रहे होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, ऑनेस्टी में ये वोवल पहले साउंड आ रही है बोलने में, वोवल साउंड आ रही है, तो यहां पे आप स्पीक करेंगे दी का। तो इस तरह से दोस्तों आपने जाना कि कहां पर दी का यूज किया जाए और कहां पर द का यूज किया जाए। तो क्या समझा आपने स्टूडेंट, यहां पर वोवल साउंड आ जाए, वोवल साउंड से मतलब मेरा हिंदी वोवल से है, आ से आहा तक, राइट। तो दी स्पीक करेंगे, उससे पहले कंसोनेंट साउंड आ जाए तो आप द का यूज करेंगे, कुछ इस तरह से। दोस्तों इसी तरीके से आपने जैसे मूवी देखी होगी, जैसे मूवी आपने देखी होगी, तो मूवी जब लास्ट में होती है तो उसमें लिख के आता है दिस टाइप, राइट, इन। और यहां पर ये डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है, तो इसे जब हम लिखेंगे तो इसे लिखेंगे दोस्तों इस तरीके से, इंड, राइट। तो यहां पे आप क्या बोलते हैं, द इंड, क्या बोलते हैं, द इंड, कभी आपने द इंड नहीं बोला होगा, राइट। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि हम लोग बचपन से इसे सही बोलते आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पे हम लोग गलत भी बोलते आ रहे हैं, राइट। तो इसे क्या बोलेंगे, द इंड। तो इस तरह से दोस्तों आपने इस मतलब को समझा, लेकिन एक बात आपको बताएं कि जीवन में हर किसी चीज का एक एक्सेप्शन होता है, एक अपवाद होता है। तो यहां पे इंग्लिश का एक अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या है उसे भी समझते हैं सबसे पहले इसको। एक्सेप्शन क्या है उसको भी समझते हैं। एक्सेप्शन ये है स्टूडेंट कि अगर कभी भी आप किसी वर्ड पर स्ट्रेस देना चाहें, जोर देना चाहें, फोर्स देना चाहें, अर्थात इंपिसाइज करना चाहें उस वर्ड को, देन चाहे वोवल साउंड आए पहले, चाहे कंसोनेंट साउंड आए, दोनों ही स्थितियों में दोस्तों आप ई मतलब दी का यूज करेंगे। मतलब क्या कहना चाहते हैं, चाहे वोवल साउंड हो, चाहे कंसोनेंट साउंड हो, लेकिन आप स्ट्रेस अगर देते हैं, क्या देते हैं दोस्तों, स्ट्रेस, स्ट्रेस माने जोर, या इंफेसिस करते हैं किसी चीज को, जोर देते हैं अर्थात दबाव डालते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर आप दी का ही यूज करेंगे, ऑलवेज हमेशा दी का यूज करेंगे, वहां पर द का यूज नहीं किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर बताता हूं, एग्जाम्पल समझना दोस्तों, जैसे दिस इज द बॉय हु आई मीट यस्टरडे, समझ पाए आपको, दिस इज द बॉय हु आई मीट यस्टरडे, मतलब मैं उसी लड़के से मिला, मैं यह वही लड़का है, यह वही लड़का है जिससे मैं कल मिला था। दिस इज द बॉय हु आई मीट yesterday, यह वही लड़का जिससे मैं कल मिला था। मतलब वो केवल लड़के को स्ट्रेस करना चाह रहा है, वो कहां मिला, कैसे मिला, किसके साथ मिला, कब मिला, उसे इन बातों से मतलब नहीं है, वो केवल उस लड़के पे जोर देना चाहता है कि ये वही लड़का जिससे मैं कल मिला था। तो लड़का से पहले जो डेफिनेट आर्टिकल यूज किया है, तो वहां पे दोस्तों दी का यूज करेंगे, बोलते समय द का यूज नहीं करेंगे, अगर आप करते हैं तो गलत है। जैसे मैं उस एग्जाम्पल को यहां पर लिख के आपको बताता हूं, जैसे मैंने अभी बोला दिस इज द बॉय who meet me yesterday, यह वही लड़का है जो मुझे कल मिला था, राइट। दिस इज द बॉय, तो यहां पर दी का यूज करेंगे, आप द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या हुई, ये वही लड़का है, वही मतलब वो इस पर जोर देना चाह रहा है, इस पर स्ट्रेस देना चाह रहा है, इस बॉय पर। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इससे पहले जो डेफिनेट आर्टिकल होगा उसे दी बोला जाएगा, द नहीं बोला जाएगा। लेकिन पहले नियम क्या बताया था, अगर कंसोनेंट साउंड हो तो द का यूज करें, तो यहां पे बॉय में कंसोनेंट साउंड है, फिर भी आपने दी बोला, क्यों बोला, क्योंकि आप समझ गए यहां पे स्ट्रेस दबाव डाला जा रहा है, राइट। इसी तरह से दोस्तों जैसे एक सेकंड एग्जांपल समझना, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन माय मॉर्निंग बैच, जैसे समझना, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन माय मॉर्निंग
बैच, राइट? समझा? दिस इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन माय मॉर्निंग बैच. ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन माय मॉर्निंग बैच. वह मेरे सुबह के बैच का सबसे ज्यादा होशियार लड़का है. तो सबसे ज्यादा, द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो वो इस बात पे फोकस देना चाह रहा है, द मोस्ट इंटेलिजेंट पर, राइट? तो ये जोर दे रहा है, इसलिए यहां पर जो इसका प्रोनाउंसिएशन दोस्तों किया जाएगा वो दी करके किया जाएगा, द करके नहीं किया जाएगा. तो दोस्तों इस तरह से आपने समझा कि अगर वॉवल साउंड हो तो दी बोलना, कंसोनेंट साउंड हो तो द बोलना, लेकिन अगर स्ट्रेस किया जाए किसी बात पे, जोर दिया जाए, तो वहां पे वॉवल और कंसोनेंट का कोई नियम नहीं लगता है, केवल और केवल दी बोला जाता है, द बोलना वहां पर गलत हो जाता है. कैसे, वो आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया. तो दोस्तों अब उस बात पे हम लोग आते हैं कि दादी को दीदी कैसे बनाते हैं, उस बात को समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़े. इसे मैं रफ करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या लिख लिए होंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और वो मैजिक बताते हैं जो मैंने शुरुआत में आपसे बोला था कि दादी को दीदी कैसे बनाया जाता है, उस बात को समझते हैं. जैसे समझना, देखें दोस्तों, वो खुल जा सिम सिम वाला एक मैजिक आपको हम बताते हैं. ठीक है, जैसे देखें, ये हमने दोस्तों लिखा मैसेज, ये हमने लिखा दोस्तों मैसेज, राइट? मैसेज, MESSAGE, मैसेज. ठीक है, इसी तरह से दोस्तों एक दूसरा पॉइंट यहां पर, ये दूसरा पॉइंट यहां पर, जैसे अर्थ, और आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर दें. तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, द, और ये क्या हो जाएगा, समझते हैं, वॉवल साउंड है, इसे आप दी स्पीक करेंगे. द, 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 आप कई बार बोलें तो आपको समझ में आएगा कुछ इस तरह की साउंड, लेकिन इसका जो सही उच्चारण होता है वो ये वाला है. लेकिन द, द कई बार बोलें तो आपको समझ में आएगा कुछ इस तरह की साउंड, है नहीं? लेकिन सही कौन सी है दोस्तों, ये वाली. तो समझना, इन दोनों को मिला के अगर आप समझें तो यह क्या बन गया, दादी, राइट? अब दादी से दोस्तों दीदी हम बनाने जा रहे हैं, इसको आप समझें कैसे, स्टार बना के समझें आप दोस्तों, जैसे दीदी कैसे बनता है. जैसे अभी कुछ देर पहले दोस्तों मैंने बताया था, स्ट्रेस देने पर हमेशा दी बोला जाता है, तो उन्हीं दोनों वर्ड को उठाते हैं. जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल बोला था, दिस इज द बॉय हु मीट मी यस्टरडे, राइट? मीट मी यस्टरडे. तो दोस्तों यहां पर जब जोर दिया गया था बॉय पर, स्ट्रेस किया था, तो आपने क्या बोला था, यहां पर दी बोला था, राइट? उसके बाद मैंने बोला था ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन माय मॉर्निंग बैच. तो दी मोस्ट आपने देखा होगा दोस्तों, वहां पर आपने दी बोला था इस डेफिनेट आर्टिकल को, तो ये क्या बोला आपने, दी. पहले नियम क्या था, कंसोनेंट साउंड है तो द बोले, वॉवल साउंड है दी बोले, तो कंसोनेंट और वॉवल साउंड से क्या बन गया, दादी. लेकिन जब दोस्तों स्ट्रेस पड़ा, जोर पड़ा, तो आपने देखा क्या हुआ, दी और दी. मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपने दादी से क्या बना दिया, क्या बना दिया दोस्तों, फॉर्म कर दिया आपने, किसे फॉर्म कर दिया, दीदी को. तो समझ सकते हैं दोस्तों इस तरह से कि आप एक 70 ईयर्स और 65 लगभग 80 ईयर्स की दादी को आपने दीदी बना दिया, वो भी 25 या 20 ईयर्स की दीदी में, राइट? तो दोस्तों इस तरह से, इस ट्रिक के माध्यम से, एक मैजिक मोमेंट के जरिए आप दोस्तों छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को बहुत आसान तरीके से इस बात को समझा सकते हैं. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू.